Line in. Hello. Hello, hello, 1, 2, 3, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. जी तो आज भी नहीं चाहता हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेसर सुपर लीग 2022 का आज चौथा मैच फ़ख्रे मोहम्मद वर्सेस गबोल किंग्स के दरमियान जो कि चंद ही लम्हे बाद खेला जाएगा। यहाँ पर गबोल किंग्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया है और फील्डिंग पर हैं फ़ख्रे मोहम्मद। चंद ही लम्हे बाद ये मैच शुरू होने वाला है। हम अपने चनाब स्पोर्ट्स के पेज पर तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये मैच हमारे फेसबुक पेज चनाब स्पोर्ट्स एकेडमी पर देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। बराबर थी चार 11 पूरे 10 के लिए चल हार जाएगा और
हेलो फिर कर रहा हूँ यार, ये भी जो मिल रहा है मेरे पास जल्दी लेके जा। हेलो हेलो यहाँ पर सईद और काशिफ असूल अपना जोड़े बैटिंग के लिए। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेसर सुपर लीग 2022 का आज चौथा मैच गबोल किंग्स वर्सेस फखरे मोहम्मद के दरमियान चंद ही लम्हों बाद शुरू होने वाला है। यहां पर गबोल किंग्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। जी तो फखरे मोहम्मद की जानिब से बॉलिंग के लिए लाया गया है अहमद खान को और सामना करेंगे सईद खान, और सईद खान का साथ देते हुए तनवीर इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब। 6 रन के लिए पहली बॉल पर छक्का लगाने में कामयाब रहे सईद। 6 रन से खाता खोला मोहम्मद सईद ने। पहली ही गेंद पर छक्का, एक बॉल 6 रन। ओ इस बार की बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी अमर खान की जानिब से। शॉट खेलना चाहिए सईद ने पर बीट हुए। जी अमर खान, ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, स्लो डिलीवरी करते हुए कतन ही नहीं समझ पा रहे सईद। पहली बॉल फुल टॉस थी इसलिए छक्का लगाने में कामयाब रहे सईद। TSL 2022 का आज मैच जारी और सारी, अहमद खान सामना करेंगे सईद। और इस बार खेल दिया स्टेट की जनरल फील्डर है मौजूद, देखना पड़ेगा यकीनी कोई रन हासिल नहीं कर पाए सईद। हम अपने तमाम व्यूवर का शुक्रिया अदा करते हैं जो ये मैच चनाब स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अहमद खान सामना करेंगे सईद। ओ इस बार इनसाइड है तो कीपर की जानिब से मिस फील्ड, यहाँ पर कैच ड्रॉप किया फखरे मोहम्मद के कीपर ने। सईद की विकेट अपने हाथों से गवाई। एक बार फिर अहमद खान बॉल कराने के लिए दौड़े, सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानेब 6 रन के लिए लॉन्ग सिक्स, खूबसूरत शॉट खेले यहां पर सईद ने। अहमद खान सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब 6 रन के लिए एक और 18 रन, पहले ओवर में 18 रन हासिल किए गबोल किंग के प्लेयर सईद ने। तो इसी तरह एक ओवर के अख्तिताम पर गबोल किंग का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन पर पहुंच चुकी है एक ओवर के अख्तिताम पर गबोल किंग की टीम।
जी तो फख्र मोहम्मद की जानिब से बॉलिंग के लिए लाया गया है तैफ खान को और सामना करेंगे तनवीर। राजा मीने राजा छेड़ रहा है राजा गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे सईद मसूद सॉरी काशिप आसूद। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं काशिफ और सईद असाद। TSL 2022 TSL सुपर लीग 2022 का चौथा मैच गोबॉल किंग वर्सेस फख्र मोहम्मद के दरमियान जारी और सारी। यहां पर गोबॉल किंग ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और फख्र मोहम्मद के दूसरा ओवर कराने के लिए आए हैं तैफ और उनका सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार खेल दिया इनसाइड एज यकीन एक रन हासिल करने में कामयाब रहे काशिफ। जी तो सजाद चौधरी साहब वालेकुम सलाम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे फेसबुक पेज पर आए और ये मैच लाइव देख रहे हैं सो देखने के लिए शुक्रिया आपका। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी तो तैफ बॉल करने के लिए दौड़े सामने करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जगह फील्डर है मौजूद देखना होगा यकीनी कोई रन हासिल नहीं कर पाए सईद। जी तो तैफ बॉल करने के लिए दौड़े सामने करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए काफी बढ़िया सिक्स लॉन्ग सिक्स लगाया यहां पर काफी खूबसूरत शॉट को क्लिक किया सईद ने। हम अपने तमाम व्यूअर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तैफ बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे सईद। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी तो तैफ एक बार फिर बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे सईद। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी तो इसी तरह अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मुसलसल दो बॉलें वाइड मार चुके हैं तैफ एक्स्ट्रा रन्स देते हुए। तैफ सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब 6 रन के लिए काफी बढ़िया सिक्स लंबे लंबे छक्के मारते हुए सईद गबॉल किंग के प्लेयर काफी अच्छी बैटिंग करते हुए दूसरे ओवर का। जी तो एक बार फिर बॉल करने के लिए दौड़े तैफ खान और उनका सामना करेंगे सईद। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी तो इसी तरह अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 3 वाइड बॉल मार चुके हैं अपने इस ओवर में तैफ खान।
जी तो तैफ खान बॉल कराने के लिए दौड़े, सामना करेंगे सईद। ओ इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल, शॉट खेलना चाहिए यहाँ पर सईद ने, बट स्कोर हासिल करने में नाकामयाब रहे। तो इसी तरह तैफ खान अपने ओवर का लास्ट बॉल कराने के लिए दौड़े और उनका सामना करेंगे सईद। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। तो इसी तरह अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल और साथ ही में बाई का एक रन हासिल करने में कामयाब रहे सईद। तैफ अपने ओवर का लास्ट बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। तो इसी तरह ओवर का यहां पर हुआ इख्तिताम। तो इसी तरह दो ओवर के इख्तिताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 41, बॉल किंग 41 रन पर पहुंच चुकी है दो ओवर के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के। जी तो इसी तरह TSL 2022 TSL सुपर लीग 2022 का आज चौथा मैच कबूल किंग वर्सेस फखरे मोहम्मद के दरमियान जारी और सारी फखरे मोहम्मद की जानिब से नए आने वाले बॉलर हैं सईद अनवर और उनका सामना करेंगे सईद। और इसी तरह खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए, काफी बढ़िया सिक्स, लंबी लंबी शॉटें मारते हुए सईद जो कि कबूल किंग के बढ़िया ही बैट्समैन है। काफी अच्छी बल्लेबाजी, जी तो एक बार फिर सईद अनवर बॉल कराने के लिए दौड़े उनका सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने, फील्डर है मौजूद तो मिस फील्ड, यकीनी 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। यहां पर चौका लगाया सईद ने, यहां पर बहुत ही बड़ा ऐलान, जो भी टीम कबूल किंग का प्लेयर 50 करेगा 500 रुपए इनाम मुजफ्फर भाई की जानिब से, जो 5 विकेट लेगा उसके लिए 1000 रुपए, अगर सेंचुरी करता है कोई बैट्समैन तो उसके लिए भी 1000 रुपए का इनाम। अगर आजाद ना कदर चबा का सामना करेंगे, अगर आजाद ना का स्ट्रेट वाला सईद अनवर का सामना करेंगे। जी तो इसी तरह सईद अनवर सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल गया इनसाइड एज, फील्डर है मौजूद, देखना होगा। तो इसी तरह चौका लगाने में कामयाब रहे सईद। बिल्कुल थोड़ा
जी तो इसी तरह फखरे मोहम्मद के बॉलर बॉल कराने के लिए दौड़े सईद अनवर और उनका सामना करेंगे सईद। वो इस बार खेल दिया ऑफ साइड की जानेब चार रन के लिए। काफी बढ़िया खेलते हुए काफी जबरदस्त बैटिंग करते हुए सईद अपनी टीम को बॉल किंग के लिए। TSL 2022 का चौथा मैच गबोल किंग वर्सेस फखरे मोहम्मद के दरमियान जारी और सारी। हम अपने तमाम व्यूअर का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो ये मैच इस फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। तो इसी तरह इनसाइड एज एक और चौका लगाने में कामयाब रहे सईद। अनवर अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और उनके सामने करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानेब छह रन के लिए। काफी बढ़िया बैटिंग काफी बढ़िया बल्लेबाजी सईद की जानेब से। किसान शाखा लड़के निकालना नहीं निकल सकते ना, कम में लड़के हमारे पूरे ग्यारह पूरे ही हुए। तीन अंदर रखना। हाँ हाँ तीन अंदर तो इसी तरह 69 रन पर पहुंच चुके हैं तीन ओवर के अख्ताम पर गबोल किंग की टीम। 69 रन पर पहुंच चुकी है तीन ओवर के अख्ताम पर बगैर कोई नुकसान के गबोल किंग की टीम। अभी तक दो प्लेयर पिच पर मौजूद सईद और उनका साथ देते हुए काशिफ। फखरे मोहम्मद की जानिब से बॉलर आए हैं तैफ और सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब छह रन के लिए। काफी बढ़िया शॉट खूबसूरत शॉट खेली यहाँ पर। नहीं आएगी नहीं जा तो सामना करेंगे काशिफ। वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब छह रन के लिए। मुसलसल दो बॉलों पर दो छक्के लगाने में कामयाब काशिफ मसूद। TSL 2022 का चौथा मैच फखरे मोहम्मद वर्सेस गबोल किंग के दरमियान जारी और साले बॉलर सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी तैफ को अपनी टीम फखरे मोहम्मद के लिए। तैफ सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार खेल दिया गेंद हवा में नीचे फील्ड रहे मौजूद देखना होगा। तो इसी तरह मेस फील्ड यहां पर कैच ड्रॉप किया फखरे मोहम्मद के खिलाड़ियों ने। काशिफ की विकेट अपने हाथों से गवा बैठे। जी तो एक बार फिर फखरे मोहम्मद के बॉलर तैफ खान बॉल कराने के लिए दौड़े उनका सामना करेंगे सईद। ओ इस बार स्लो डिलीवरी तैफ अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और उनका सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब काफी खूबसूरत शॉट सईद की जानेब से बहुत ही बढ़िया सिक्स लंबे लंबे छक्के मारते हुए अपनी टीम गबोल किंग के लिए। शाकिर
रहमान कितने स्कोर हुए? 88। तो इसी तरह चार ओवर के अख्ताम पर गबोल किंग की टीम 88 रन पर पहुंच चुकी है, 88 रन पर पहुंच चुकी है चार ओवर के अख्ताम पर गबोल किंग की टीम बगैर किसी नुकसान के। जी तो फखर मोहम्मद की जानिब से नए आने वाले बॉलर हैं रहमान और उनका सामना करेंगे काशिफ। काशिफ ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी काशिफ की जानिब से। उसके लिए भी 500 रुपए का इनाम था। जो भी खिलाड़ी 50 करेगा गोल की टीम की जानिब से। जी तो रहमान सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए, जबरदस्त सिक्स, बहुत ही लॉन्ग सिक्स लगाया यहां पर काशिफ मसूद ने। जी तो फखर मोहम्मद का बॉल रहमान अपने और का बॉल कराने के लिए दौड़े और उनका सामना करेंगे काशिफ मसूद। ओ इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा, डॉट हुए यहां पर, बीट हुए बैट्समैन। रहमान सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल, जी तो रहमान सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब 6 रन के लिए काशिफ ने, काफी बढ़िया बल्लेबाजी जारी गबोल किंग के प्लेयर काशिफ और सईद की जानेब से अपनी टीम गबोल किंग के लिए, जबरदस्त और धुआंधार बैटिंग करते हुए। लगता है कि दोनों प्लेयर का आज मोड लंबा टारगेट सजाने में है। रहमान सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार बीट हुए, जी तो रहमान अपने वर्ग का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिफ। वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए। स्कोर 7। चल आप लोगों ने 145 में जीते, वो टीम ही तो आगे है। कौन था वाले थे सारे? कौन हुसैन अख्तरबाज जी तो रहमान सामना करेंगे एक सईद। ओ इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल, मुझे राहुल।
इस बार ये ऑस्ट्रेलिया जनक खेल दिया, फिर रहे मौजूद, यकीनी सही देख रन हासिल करने में कामयाब रहे। जी तो फखरे मोहम्मद के बॉलर अनवर बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल, हम खत्म करेंगे अभी बता रहे हैं, एक एक पॉइंट मिल जाएगा। जी तो फखरे मोहम्मद के बॉलर बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार खेल गया स्ट्रेट की जाने फील्ड रहे मौजूद, देखना पड़ेगा, यकीनी एक रन हासिल करने में कामयाब रहे काशिफ मसूद। जी तो अनवर बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे सईद। ओ इस बार लेग बाई, अनवर सामना करेंगे सही। दो इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानब छह रन के लिए, काफी बढ़िया शॉट, लॉन्ग सिक्स लगाया यहां पर सईद ने। जी तो फखरे मोहम्मद के बॉलर अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े अनवर और उनका सामना करेंगे सईद। इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानेब छह रन के लिए, मुसलसल दो बॉलों पर दो छक्के लगाने में कामयाब। नेमत बोलो ने नेमत हाँ हाँ 15 है, 22 हो गए, 22 जी तो फखरे मोहम्मद के बॉलर बॉल करेंगे दौड़े और सामना करेंगे काशिफ। इस बार गेंद हवा में, फील्डर है मौजूद, तो देखना पड़ेगा, यकीनी छह रन छक्का लगाने में कामयाब रहे यहां पर काशिफ मसूद। जी तो अमीन अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिफ। ओ इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल,
अमीन सामना करेंगे काशे, गेंद हवा में नीचे फिर रहे मौजूद, देखना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पर कैच ड्रॉप किया फखरे मोहम्मद के प्लेयर्स ने, दो मौके मिल चुके हैं काशिफ को, फखरे मोहम्मद के प्लेयर्स दो कैच ड्रॉप कर चुके हैं काशिफ मसूद के। अमीन अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और उनका सामना करेंगे सईद, ओ इस बार इनसाइड एक, तो इसी तरह छह रन मिले यहां पर। ओ इस बार खेल दिया ऑफ साइड की जानेब, छह रन के लिए सईद, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सईद अपनी टीम के बॉल किंग के लिए। अमीन सामना करेंगे सईद, ओ इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल। अबे यार उठी किधर से अकरम यार, उधर वो तो चेक कर, आपकी बारी भी जहां से उठेगी नहीं, छोड़ो यार आपकी बारी, चेक तो करो उठी कहां से, नहीं अगली नो हो गया, अलाउ नहीं दिए उसने वाइड दिए। अमीन बहुत अच्छे यार, तो इसी तरह बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अमीन, यहाँ पर डॉट हुए सईद, अमीन अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे सईद, तो इस बार हुए एज, तो इसी तरह सात ओवर के इख्तिताम पर गबोलिए किंग का बढ़ता हुआ स्कोर 143 143 रन पर पहुंच चुकी है गबोल किंग की टीम सात ओवर के इख्तिताम पर। सामना करेंगे काशिफ, ओ इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल, बहुत ही उम्दा रहमान सामना करेंगे काशिफ, ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब, छह रन के लिए काफी बढ़िया सिक्स काशिफ मसूद की जानिब से, और रहमान सामना करेंगे काशिफ, और इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब, छह रन के लिए काफी खूबसूरत शॉट, दो छक्के लगाने में कामयाब काशिफ मसूद। इस तरह काशिफ भी अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी जारी काशिफ मसूद और सईद अफरीदी, तो टू गए फ्रेंच रहमान, इस बार आंसू है कभी रहा लेकिन निकल जाएगी, तो इसी तरह फ्री में मिले हैं पांच रन भाई के, चार रन और एक बॉल एक रन वाइड का, बगैर कोई बॉल के पांच रन मिले हैं गबोल किंग की टीम को। Thank you.
एक बार फिर सामना करेंगे इस बार खेल दिया है तो इसी तरह यहां पर छक्का लगाया काशिम मसूद ने स्ट्रेट की जानेब। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं काशिम मसूद अपनी टीम को बॉल किंग के लिए। रहमान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ इस बार खेल जाए इनसाइड तो फील्डर है मौजूद। यहां पर कैच ड्रॉप किया, मुसलसल तीन कैच ड्रॉप कर चुके हैं फख्र मोहम्मद के प्लेयर काशिम मसूद के। मौके पे मौका मिल रहा है काशिम मसूद को। रहमान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिम मसूद। इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जाने फील्डर है मौजूद। देखना पड़ेगा यकीनी चार रन मिस फील्ड। तो इसी तरह 171 रन पर पहुंच चुकी है गबॉल किंग की टीम। अभी तक दो प्लेयर क्रीज पर मौजूद सईद और उनका साथ देते हुए काशिम मसूद। रहमान सामना करेंगे काशिफ, वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए। जी तो फख्र मोहम्मद के बॉलर बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे सईद। ओ इस बार बीट हुए, यहाँ पर लेग बाई का एक रन हासिल करने में कामयाब रहे सईद। अमीन अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ इस बार खेल लेग साइड की जाने फील्डर है मौजूद। देखना पड़ेगा यकीनी 4 रन मिले हैं यहां पर काशिम मसूद को। अमीन बॉल कराने के दौड़े और सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ तो इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल एक्स्ट्रा रन देते हुए अमीन। काशिम ओ इस बार खेल दिया स्टेट की जानेब गेंद हवा में नीचे फील्डर मौजूद यकीनी 6 रन। अमीन अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ तो इस बार बहुत ही बड़ी वाइड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अमीन सामना करेंगे काशिफ। ओ तो इस बार इनसाइड एज यकीनी 4 रन हासिल करने में कामयाब। चौका लगाया यहां पर काशिम मसूद ने। खूबसूरत
सामना करेंगे। ओ तो इस बार खेल जाए गेंद हवा में नीचे फील्डर मौजूद, तो यकीनी छक्का लगाया यहां पर काशिम मसूद ने। जी तो फखरे मोहम्मद के बॉलर अमीन अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ इस बार खेल दिया हाफ साइड की जानेब चार रन के लिए। जी तो बॉलिंग के लिए आए हैं शाका, सामने करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब सईद। शाका अपने ओवर का दूसरा बॉल करने के लिए दौड़े, सामना करेंगे सईद। ओ इस बार खेल दिया छह रन के लिए सईद। तो साथ ही में फ्री हिट का मौका भी मिला। अब शाका सामना करेंगे। ओ इस बार खेल दिया छह रन के लिए शहीद। एक बार फिर देखना होगा शहीद निपाल। तो यहाँ पर एक रन हासिल करने में कामयाब रहे सईद। तो इसी तरह शाका अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े। मान का काम है, बॉल कर देता बॉल हो जाती यार। किस्मत ने बहुत साथ दिया है, कैसे छूटे। शाका सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ तो इस बार इनसाइड एज। ओ तो इसी तरह पैर का इशारा वाइड बॉल। शाका सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब चार रन के लिए। तो इसी तरह हम पैर का इशारा वाइड बॉल। सुपर लीग का ये हाई स्कोर होगा। शाका सामना करेंगे काशिम मसूद। ओ तो इस बार बीट हुए यहाँ पर काशिम मसूद। यार टारगेट कितने लाए ताले। 231 रन बनाने होंगे फखरे मोहम्मद की टीम को। अगर ये
गद्दे लड़के। हेलो सर, ये मेरा ये रखो ये वाला। सब दीवाल भाई या दोनों दीवालों ने जोड़ सी और कारी साहब ठीक हो? टारगेट 231 का बोल किंग एक जानिब से फखर मोहम्मद को कारी साहब कमेंट्री वगैरह करते हो? कमेंट्री हाँ ना, तो फिर करो, आज तो अपना जलवा दिखाओ। हाँ आज तो दिखाओ जलवा अपना, हमको शर्म आते हैं। में अपना जबान भी बोल बोल के उर्दू बोल बोल के ना। हाँ ना उर्दू बोल रही, क्योंकि मैं उर्दू भी सही नहीं आती। नहीं, वो उधर चित्राल में अपना कुछ तो बोलते हो आप? नहीं, हमारा अलग जबान। हाँ, कौन सा जबान है आपकी जबान का नाम क्या है? हमारा जबान का नाम मान तो चित्राली जबान है। बस चित्राली जबान। हाँ, तो कुछ बोल के जरिए सुनाना। नहीं याद है मुझे। अच्छा चलो, ये तो बोलो मैं चित्राल से आया हूँ, अपनी जबान में बोलना। नहीं याद है ना, मैं घर में फोन नहीं करता इस वजह से। क्या वजह बोल? कितना अर्सा हो गया आपको? मेरा 6 साल हो गया। फिर भी तो अपनी जबान नहीं भूलोगे ना 6 साल? यार यहाँ सर उर्दू बोल बोल के ना फिर बोली पोस्टो भी मुझे नहीं आते, फिर भी अपना जबान। हाँ यार चलो,
जी तो आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSL 2022 का आज चौथा मैच फ़ख्र मोहम्मद वर्सेस गबोल किंग के दरमियान एक इनिंग्स जो कि हो चुकी है। यहां पर गबोल किंग ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया था और 9 ओवर में 231 रन का टारगेट दिया फ़ख्र मोहम्मद को। देखते हैं कि 9 ओवर में 231 रन का हदफ चेज कर पाती है या नहीं। फ़ख्र मोहम्मद की जानिब से दो नए आने वाले बैट्समैन हैं, एक का नाम अमीन और दूसरे का नाम शाका। सामना करेंगे शाका और गबोल किंग की जानिब से बॉलिंग के लिए लाया गया है आदिल को। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल अपने ओवर का पहला बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर बीट हुए बैट्समैन। आदिल सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए। इसी ही तरह की बल्लेबाजी करनी होगी ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि टारगेट बहुत ही बड़ा 231 रन का हदफ। आदिल सामना करेंगे शाका। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। ओ इस बार शॉट खेलना चाहिए पर फील्डर है मौजूद, यकीनी कोई रन हासिल नहीं कर पाए। आदिल सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया स्टेट की जानेब 4 रन के लिए। तो इसी तरह अंपायर का इशारा नो बॉल। अभी भाई ओके तो यहाँ पर शाका को फ्री हिट का मौका मिला है। देखते हैं कि शाका किस हद तक फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। ओ इस बार लेग बाय हुए, शॉट खेलना चाहिए पर बीट हुए बैट्समैन। जी तो आदिल बॉल कराने के लिए आए, सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने 6 रन के लिए। यहां पर फ्री हिट का मौका उठाते हुए 6 रन के लिए खेला। आदिल अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए। है कवर कितनी? तो इसी तरह फ़ख्र मोहम्मद का बढ़ता हुआ स्कोर 1 ओवर के इख्तिताम पर 24 रन पर पहुंच चुकी है। 1 ओवर के इख्तिताम पर फ़ख्र मोहम्मद बगैर किसी नुकसान के अभी तक 2 प्लेयर क्रीज पर मौजूद, शाका और उनका साथ देते हुए नेमत खान। जी तो गबोल किंग की जानिब से बॉलिंग के लिए लाए गए हैं अदनान को और सामना करेंगे नेमत खान। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर बीट हुए नेमत खान। बहुत ही बढ़िया अपील गबोल किंग की प्लेयर की जानिब से। अदनान सामना करेंगे नेमत।
ओ इस बार स्लो डिलीवरी। जी तो अदनान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे नेमत खान। ओ इस बार खेल दिया स्टेट की जानेब 6 रन के लिए। काफी बढ़िया शॉट, काफी खूबसूरत शॉट खेला यहां पर नेमत खान ने। ओ तो इस बार बोल्ड किया यहाँ पर अदनान ने नेमत खान को। पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए नेमत खान बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया अदनान ने। कितने बोले हो क्या? चार बोले। गुड बॉल पता तेज बका। जी तो अदनान सामना करेंगे अनवर। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए। आते ही 6 रन से खाता खोला अनवर ने। TSL 2022 का आज चौथा मैच गबोल किंग वर्सेस फखरे मोहम्मद के दरमियान जारी। यहां पर गबोल किंग ने पहले टॉस जीतकर 231 रन का हदफ दिया फखरे मोहम्मद को। देखते हैं कि ये हदफ चेज कर पाते हैं या नहीं फखरे मोहम्मद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अदनान अपने ओवर का लास्ट बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे अनवर। ओ इस बार शॉट खेलना चाहिए पर बीट हुए। तो इसी तरह फखरे मोहम्मद की टीम दो ओवर के अख्तिताम पर 36 रन पर पहुंच चुकी है बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर 36 रन बना चुकी है फखरे मोहम्मद की टीम। सामना करेंगे शाखा बॉलर ने। तो बॉलिंग के लिए लाया गया है वहीद को। ओ इस बार खेल दिया ऑफ साइड की जानिब 6 रन के लिए। वही सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने 6 रन के लिए। मुसलसल 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाने में कामयाब शाका। वही अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जाने फील्डर है मौजूद, देखना पड़ेगा। यकीनी 4 रन यहाँ पर चौका लगाया शाका ने। वहीद सामना करेंगे शाका। वो इस बार खेल दिया स्टेट की जाने 6 रन के लिए। काफी बढ़िया धुएंदार बैटिंग जारी फखरे मोहम्मद के बैट्समैन शाका की जानिब से। वही सामना करेंगे शाका। वो इस बार खेल दिया ऑफ साइड की जाने फील्डर है मौजूद, यकीनी 1 रन हासिल करने में कामयाब रहे शाका। वहीद अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे अनवर। वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब अनवर ने, छक्का लगाया यहां पर अनवर ने।
त्रेठ लला है लले त्रेठ रंजन त्रेसठ। तो इसी तरह तीन ओवर के अख्ताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 65 बगैर किसी नुकसान के। फखरे मोहम्मद की टीम 65 रन पर पहुंच चुकी है तीन ओवर के अख्ताम पर बगैर किसी नुकसान के। गबोल किंग की जानिब से बॉलिंग के लिए लाया गया है जुबैर को और सामना करेंगे शाका। ओ इस बार इनसाइड एज, काफी बढ़िया बॉल, आला डिलीवरी की यहाँ पर जुबैर ने। जुबैर अपने ओवर का बॉल कराने के दौरे सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जाने, फील्डर है मौजूद, यकीनी एक रन हासिल करने में कामयाब रहे शाकिर। जुबैर सामना करेंगे अनवर, वो इस बार इनसाइड एज। तो साथ ही में अंपायर की जानिब से नो बॉल का इशारा भी मौसूल हुआ है। फ्री हिट का मौका है अनवर के पास, देखते हैं कि फ्री हिट बॉल का किस हद तक फायदा उठा पाते हैं अनवर। जुबैर अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े, सामना करेंगे अनवर। ओ इस बार इनसाइड एज, यकीनी चार रन मिले हैं यहां पर, चौका लगाया है अनवर ने। जुबैर अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े, सामना करेंगे अनवर। ओ तो इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जुबैर सामना करेंगे अनवर, ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए, काफी बढ़िया शॉट और खूबसूरत सिक्स अनवर की जानिब से। जी तो गबोल किंग के बॉलर जुबैर अपने ओवर का पांचवा बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे अनवर। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर बीट हुए अनवर। जुबैर सामना करेंगे अनवर, वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने, फील्डर है मौजूद, चौका है लले लले।
जुबैर अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे अनवर। ओ इस बार खेल दिया ऑफ साइड की जानिब चार रन के लिए। पांच ओवर तो इसी तरह चार ओवर के इख्तिताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन पर पहुंच चुकी है फख्र मोहम्मद की टीम बगैर किसी नुकसान के पांच ओवर के इख्तिताम पर। जी तो गबोल किंग की जानिब से नए आने वाले बॉलर हैं फतेह और सामना करेंगे शाका। TSL 2022 का आज चौथा मैच गबोल किंग वर्सेस फख्र मोहम्मद के दरमियान जारी और सारी। यहां पर गबोल किंग ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, 231 रन का हदफ दिया और शाका यकीनी चार रन मिले हैं शाका को। मिस फील्ड यहाँ पर पीछे की जानब खेल दिया शाका ने और चौका लगाने में कामयाब रहे। जी तो फतेह अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। इस बार खेल दिया लेग साइड की जानब चार रन के लिए, मुसलसल दो बॉल पर दो चौके लगाने में कामयाब। फतेह सामना करेंगे शाका। ओ इस बार इनसाइड एड, तो इसी तरह अंपायर का इशारा देखना होगा। इसी तरह गबोल किंग की प्लेयर की जानिब से बढ़िया अपील, आउट की अपील कर रहे हैं गबोल किंग के प्लेयर्स। अंपायर्स आपस में डिसीजन लेते हुए देखते हैं कि क्या रिजल्ट मसूल होता है। तो इसी तरह अंपायर का इशारा नॉट आउट। बल्ला नीचे नहीं लगा कप्तान। फतेह अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। ओ इस बार खेल दिया गेंद हवा में, नीचे फील्ड रहे मौजूद, देखना पड़ेगा। तो इसी तरह यहां पर कैच ड्रॉप हुआ है, चार रन मिले हैं शाका को। जी तो यहाँ पर चौका लगाया शाका ने। फतेह अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। वो इस बार खेल जाए ऑफ साइड की जानिब छह रन के लिए। काफी बढ़िया बैटिंग करते हुए शाका अपनी टीम फख्र मोहम्मद के लिए काफी जबरदस्त खेल रहे हैं शाका। जी तो गबोल किंग के बॉलर अपने ओवर का लास्ट बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे शाका। इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानेब छह रन के लिए, काफी जबरदस्त शॉट, काफी बढ़िया खेल रहे हैं शाका। बाबा,
कप्तान कीपर चेंज है जी। तो गबोल किंग की जानिब से नए आने वाले बॉलर हैं सादिक और सामना करेंगे अनवर। सादिक अपने ओवर का पहला बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे अनवर। वो इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जाने फील्ड रहे मौजूद यकीनी चौका। यहाँ पर चौका लगाने में कामयाब रहे अनवर। पीछे दो गेंद के पीछे दो बेटा। ठीक है गुड स्टार्ट बेटा गुड स्टार्ट। सादिक सामना करेंगे अनवर। वो इस बार खेल दिया छह रन के लिए दो बॉलों पर दस रन हासिल कर चुके हैं अनवर। सादिक सामना करेंगे अनवर। ओ इस बार बढ़िया गेंदबाजी शॉट खेलना चाहिए पर बीट हुए अनवर। ओ इस बार इनसाइड एज। तो यहाँ पर अनवर के इनिंग्स का हुआ खात्मा। पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए अनवर काफी बढ़िया खेले अपनी टीम फखरे मोहम्मद के लिए। उसको सामने कैच लेने से सीधा उसने कैसे छोड़ा। चलो शाबा बच्चे सादिक। तो इस बार बहुत तो अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सादिक सामना करेंगे रहमान। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने छह रन के लिए। सादिक सामना करेंगे रहमान। इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानिब छह रन के लिए दो बॉलों पर दो छक्के लगाने में कामयाब एके रहमान। सही है चार में तकरीबन 100 चाहिए। बॉलर नेम जी। तो बॉलिंग के लिए लाया गया है वहाब को सामना करेंगे शाका। तो इसी तरह पैर के इशारा वाइड बॉल। वहाब अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे शाका। और इस बार गेंद हवा में नीचे फील्डर है मौजूद देखना पड़ेगा क्या बात है बच्चे। तो इसी तरह कैच ड्रॉप किया यहां पर शाका का। तो चार रन मिले हैं चौका लगाया यहां पर शाका ने। वहाब अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे शाका। ओ इस बार इनसाइड एज देखना पड़ेगा आउट। यहां पर शाका के इनिंग्स का हुआ खातिमा। पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए बहुत ही बढ़िया खेले अपनी टीम फखरे मोहम्मद के लिए शाका।
यहाँ जगह यही है बॉल करने की, कोना पकड़े करता रहे, यहाँ मारेंगे भी ना हवा ऊपर उड़ गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन बॉडी वाला रहता था आगे बढ़ करके तो जैसे उसने मारा कैसे बॉल वाइड भी पड़ा बॉल भी तेज निकल रहा यही जगह पकड़े करता क्रॉस कर तो ये फिर बचा पे आ तो टू बैट्समैन हुआ नहीं करा बॉडी से बचने का हल ही यही करो यहीं से जाएगा जाने से बचा नहीं कप्तान बता दें अगर चेंज किया तो अंपायर को आवारा रंदन शाबाश 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 वेरी वेल बोल्ड जी तो सादिक ओ इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल ठीक है कप्तान ओ, इस बार ए बी शाह की जानिब से शॉट फील्डर है मौजूद यकीनी ए बी शाह एक रन हासिल करने में कामयाब रहे वहां सामना करेंगे रहमान वो इस बार खेल दिया स्टेट की जानिब छह रन के लिए वाह आप अपने मर का बॉल कराने के दौड़े सामना करेंगे रहमान इस बार खेल दिया स्टेट की जानिब छह रन के लिए मुसलसल दो बॉल पर दो छक्के लगाने में कामयाब एक के रहमान वहां आप अपने ओवर का लास्ट बॉल कराने के लिए दौड़े सामना करेंगे रहमान वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने फील्डर है मौजूद देखना पड़ेगा यकीनी एक रन हासिल करने में कामयाब रहे ए के रहमान जी तो गबॉल किंग की जानिब से नए आने वाले बॉलर हैं इरफान और सामना करेंगे ए के रहमान बता दो फील्डर चेंज में दो फील्डर चेंज हैं मेरे पीछे आई हो कवर करी हो गेंद में शाबाश इरफान जी तो इरफान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे रहमान इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने छह रन के लिए इरफान जगह पकड़ बेटा इरफान जगह पकड़ तेसर सुपर लीग 2022 का चौथा मैच गबॉल किंग वर्सेस फखर मोहम्मद के दरमियान जारी और सारी गबॉल किंग ने पहले खेलते हुए 231 रन का टारगेट दिया फखर मोहम्मद को इरफान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे रहमान इस बार खेल दिया स्टेट की जाने फील्डर है मौजूद यकीनी एक रन हासिल किया ए के रहमान ने जी तो इरफान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे ए बी शाह लेग भाई बढ़िया डिलीवरी इरफान की जानिब से बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे
इरफान अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे अभी शाह। और इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जाने, यकीनी चार रन यहां पर चौका लगाया अभी शाह ने। वो सही था टोपी वाला ने किया बार। अच्छा वो देख लिया था उसको मैंने। इरफान सामना करेंगे अभी शाह। ओ इस बार बढ़िया विकेट यहां पर बोल्ड कर दिया इरफान ने एबी शाह को। पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए एबी शाह। काफी बढ़िया बॉलिंग इरफान की जानिब से। ओ इस बार हबीब खान शॉट खेल दी लेग साइड की जानिब, यकीनी एक रन हासिल करने में कामयाब रहे हबीब खान। हबीब ओ इस बार खेल दिया 6 रन के लिए लेग साइड की जानिब। अली सामना करेंगे हबीब। ओ इस बार खेल दिया फील्डर है मौजूद, यकीनी हबीब खान के इनिंग्स का हुआ खात्मा। कैच आउट हुए हैं हबीब खान। पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए सामना करेंगे तैफ खान अली। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने, फील्डर हैं मौजूद, यकीनी तैफ एक रन हासिल करने में कामयाब रहे। अली सामना करेंगे रहमान। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने 6 रन के लिए रहमान ने। काफी बढ़िया शॉट खेली, लॉन्ग सिक्स लगाया यहां पर रहमान ने। अली सामना करेंगे रहमान। ओ इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अली सामना करेंगे रहमान। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब 6 रन के लिए। काफी बढ़िया बैटिंग करते हुए ए के रहमान अपनी टीम फखरे मोहम्मद के लिए। जी तो अली अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे के रहमान। वो इस बार खेल दिया लेग साइड की जाने,
तो इसी तरह एके रहमान के इनिंग्स का हुआ खात्मा। यहाँ पर कैच आउट हुए हैं एके रहमान पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। सामना करेंगे तैफ। ओ इस बार खेल दिया स्टेट की जानिब 6 रन के लिए। यहां पर छक्का लगाया अलीजार को तैफ खान ने। सही बोल ले लग दे खबर तुझा। अलीजार सामना करेंगे तैफ। ओ इस बार इनसाइड एज फील्ड रहे मौजूद, देखना पड़ेगा। यकीनी एक रन हासिल करने में कामयाब रहे तैफ खान। जी तो अलीजार अपने ओवर का बॉल कराने के लिए दौड़े और सामना करेंगे प्रिंस रहमान। यहां पर चौका लगाया रहमान ने। ओ इस बार खेल दिया लेग साइड की जानेब 4 रन के लिए। अलीजार सामना करेंगे रहमान। इस बार खेल दिया स्ट्रेट की जानेब। यकीनी एक रन हासिल करने में कामयाब रहे प्रिंस रहमान। चनाब स्पोर्ट्स ये जो सामने लोगो है ना चनाब वाला। कराने दो, लास्ट कराने दो।